नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों का सीधा प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह समय बहुत सावधानी वाला होता है। 20 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो हाइब्रिड प्रकृति का होगा। ऐसा सूर्य ग्रहण 2013 के बाद अब लगेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, पर इसके प्रभाव के कारण ग्रहण के नियमों का पालन करना जरूरी है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। भारत में 2023 का पहला सूर्य ग्रहण ना दिखने के कारण सूतक काल भी नहीं लगेगा, परंतु गर्भवती महिलाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए कुछ सावधानियों को बरतना जरूरी है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल की सुबह 7:04 पर शुरू होगा। खगरास सुबह 8:07 पर होगा। वहीं मध्यकाल सुबह 9:45 पर होगा। सूर्य ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:24 पर होगी। इस ग्रहण की कुल समय अवधि 5:22 होगी। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दिन अपनी आंखों और त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए। इस दिन घर से बाहर ना निकले, और यदि निकलना भी पड़े तो आंखों पर चश्मा और शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें। ग्रहण का हानिकारक प्रभाव आंखों और त्वचा पर पड़ सकता है। ग्रहण की छाया गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अशुभ होती है। इस वजह से यह सलाह दी जाती है कि गर्भवती महिलाओं को इस दिन घर पर ही रहना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद संभव हो तो गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए। इससे हानिकारक और नकारात्मक छाया और तरंगों से शरीर स्वच्छ होता है और उसका असर कम होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय सूर्य देव की पूजा, आदित्य हृदय स्त्रोत्र, सूर्याष्टक स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और ग्रहण का दोष दूर होता है। इसके साथ ही ग्रहण समाप्ति और स्नान के पश्चात गर्भवती महिलाओं को दान का कार्य जरूर करना चाहिए। दान के शुभ कार्य से ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से घबराने की नहीं, बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत होती है। जीवन में किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सभी को धर्म कर्म के कार्य जरूर करने चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाएं कुछ चीज़ों का दान करके ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकती हैं। आप स्नान करके गेहूं और गेहूं के आटे का दान करें तो इस तरह से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।